ट्रैफिक पुलिस ने यातायात चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए ऐसे ऑटो चालक जो ग्रामीण का परमिट लेकर शहर में ऑटो चला रहे हैं, इस तरह के 11 ऑटो को सीज किया गया है तथा कुछ ऑटो चालक जो रजिस्ट्रेशन नंबर छुपा कर चलते हैं तथा दो पहिया वाहन जो कि बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं उनका चालान किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग में एमवी एक्ट के अंतर्गत 181 वाहनों का चालान किया गया तथा 38,900 रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की चेकिंग करने के लिए महिला कांस्टेबल को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे न्याय संगत कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी सहित यातायात कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? आज यातायात नियमों के पालन के संबंध में ऐसे ऑटो चालक जिनका परमिट ग्रामीण क्षेत्र का है और शहर में वो ऑटो लेकर चला रहे हैं अवैध तरीके से, ऐसे 11 ऑटो को सीज किया गया है। कुछ ऐसे ऑटो चालक जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर छिपा के चलते हैं उनका भी चालान किया गया है। ऐसे दोपहिया वाहन जो बिना हेलमेट के सवारियां चलती हैं उनका चालान किया गया है तथा सभी लोगों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया तथा अवगत कराया गया। सर, महिला सिपाहियों द्वारा? हाँ, महिला जिन दोपहिया वाहनों पर महिलाएं सवार थी उनको चेक करने के लिए महिला कर्मचारियों के साथ जो है चेकिंग की गई, ताकि न्याय संगत तरीके से चेकिंग हो सके। सर, कार्रवाई कब तक चलता है? ये कार्रवाई जो है चलती रहेगी, त्यौहार का सीजन है, इस समय जो है शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई अनवरत जारी है।